मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मीडिया में बयान दे के मुकरने वाले सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा शोषण बंद। मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मुख्यमंत्री हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ये बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अटल तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। सीएम सिटी करनाल में अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से हरियाणा भर के जो गेस्ट टीचर्स हैं और करनाल के खास तौर पर गेस्ट टीचर्स किस तरह से सेक्टर 12 पेट्रोल पंप के पीछे धरने पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दिया है। रोजाना कोई ना कोई शख्स भूख हड़ताल पर बैठता है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि उनकी मांग अभी तक नहीं मानी जा रही है। सरकार ने उनको आश्वासन दिया है और जैसे कि आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से महिला गेस्ट टीचर्स ने भी अपने खून से जो है एक पत्र लिखकर किस तरह से देश के प्रधानमंत्री के नाम लिखा है। और हमारी अपील आप सभी से है कि इनकी मांग सरकार तक पहुंचे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे। तो इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। अपने खून से एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया है कि उनकी मांगे हैं, काफी सालों से पुरानी मांगे हैं, लेकिन उसको माना नहीं जा रहा है, जिसको लेकर करनाल के सेक्टर 12 में लंबे समय से वह संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। यादव, प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष समिति की। आज हमने माननीय जो प्रधानमंत्री है भाजपा सरकार के नरेंद्र मोदी, उनको हमारी सारी महिलाओं ने अपने खून से पत्र लिखा है, क्योंकि ये हमें नौबत क्यों आई, जो सरकार ने हमसे वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में, और उसके बाद जो मैंने मुंडन करवाया था उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार के पदाधिकारी हैं, एक राजा हैं और एक राजा होने के नाते एक नेतृत्व कर रहे हैं पूरे हरियाणा का, और उसके मुंह से एक एक वर्ड्स की कीमत होती है। उन्होंने हमारी 17 फरवरी को मीटिंग हुई थी और 18 फरवरी का आप 2018 का अखबार उठाइए, उसमें उन्होंने वादा किया था कि भाई आपको समान काम समान वेतन देंगे। तो उस वादा खिलाफी के विरुद्ध सरकार ने जो हमारे साथ धोखा किया है, उसके लिए आज हम फिर से आमरण अनशन कर रहे हैं। हमारा एक गेस्ट भाई और हम सभी बहनों ने मिलकर प्रधानमंत्री को खून से लेटर लिखा है ताकि सरकार उस वादे को पूरा करे और हमें नियमित करे। कब तक आपकी ये मोर्चा चलता रहेगा? जब तक सरकार हमारा मांग हमारी पूरी नहीं कर देती तब तक हमारा ये आंदोलन सीएम सिटी में चलता रहेगा। हम सीएम सिटी को नहीं छोड़ेंगे जब तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती। किस तरह से कल पर वाटर कैंप होता है, पानी की, चाहे सरकार कुछ भी करे, हम सीएम सिटी को नहीं छोड़ेंगे अपनी मांग को पूरा करवाए बिना। चाहे वाटर कैनल करे, लाठियां चार, जो कोई भी कड़ा से कड़ा कदम हम उठा सकते हैं अपनी मांग को लेकर, चाहे सरकार कुछ भी करे। क्या नाम है आपका? मैं मैना यादव, प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष समिति। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे का आप सोच भी नहीं सकते, सरकार सोच भी नहीं सकती। मैं अपने अतिथि अध्यापकों के लिए कोई भी कदम उठा सकती हूँ, इसमें आत्मदाह भी हो सकता है, इच्छा मृत्यु भी हो सकती है, कोई भी कड़ा कदम हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमित होना। हमें आज तक यही समझ में नहीं आया कि हमसे सन 2014 में जो वादा रामविलास जी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो खुद शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने वादा किया था, जिनसे हमें पूरी तरह से दरकार थी कि ये अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन वो हमें झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सबसे पहला झूठ के 100 बंदे आपके काम पे लगाए हैं, चलो कोई बात नहीं, काम पे लगाए थे, उसके बाद क्या काम किया कि हमारे साथियों को सरप्लस कह के हटवा दिया। फिर इस सरकार के झूठ बोलने की इंतहा देखें, वो हमें कहते हैं कि सुरीना राजन एफिडेविट दे के गई है। यदि सुरीना राजन एफिडेविट दे के गई थी, 3581 को निकाल दिया था, तो अब उन हल्फनामों का क्या है कि अब भी गेस्ट टीचरों को रखे बैठे हैं? यदि आप नियमों को ताक पर रख के हम 13,000-14,000 लोगों का शोषण
हम लोगों के पेट को काट काट कर आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाते जा रहे हैं, अपने मानते बढ़ाते जा रहे हैं। 100 गुना आपने अपनी पेंशन को कर लिया है, 100 गुना सारे विधायकों ने अपनी तनख्वाह को कर लिया है। 370 धारा जो आज तक लगी हुई थी वो किन नियमों को ताक पर रखकर हटा दी गई है, जिसमें आपने अपने बहुमत का पूर्ण रूप से प्रयोग किया है, तो क्या वो प्रयोग जो पूर्ण बहुमत है उसका प्रयोग ये जो शोषित परिवार हैं, ये जो 13,000 परिवार हैं जिनमें से शहीद राजरानी जो 8 सितंबर को शहीद हो गई थी, सरकारों की गलतियों से हम नहीं जानते कि किस समय कौन सी सरकार थी। सरकार हमारे द्वारा चुनी जाती है और हमारे लिए चुनी जाती है। हमें हुड्डा में गलतियां नजर आई तब हमने बीजेपी को वोट दिया, तो बीजेपी उस पूर्ण बहुमत का प्रयोग करके हमारे साथ अटखेलियां क्यों खेल रही है। एक बिल बनाया जाता है फरवरी 2019 में, उसमें कहा जाता है कि 58 साल तक गेस्ट टीचरों को पूर्ण रूप से सेवा सुरक्षा दे दी गई है, उसके बाद भी जेबीटी की पोस्टों को पूर्ण रूप से खाली मान लिया गया। चलो कोई बात नहीं, आप खाली मान लीजिए, हमारा वेतन मान हमें पूरा दीजिए। क्या एक रेगुलर इंसान को ज़्यादा जरूरत पड़ती है पैसे की? क्या उसके लिए कोई बाजार अलग है और गेस्ट टीचर के लिए बाजार अलग है जहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं? यदि ये सब झूठ है तो आप हमें झूठा साबित करें। हमारी जो भी मांगे हैं हमें यहाँ बैठना ही ना पड़े। एक लेटर सन 2018 में इन्होंने इशू किया कि जनवरी में और जुलाई में हमें डीए दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंस, वो आज तक नहीं दिया गया। इसका मतलब इनके निकाले गए पत्रों का भी कोई सच्चाई नहीं है, वो पत्र भी झूठे हैं। यदि आपके द्वारा इशू किए गए पत्र झूठे हैं, उसके बाद बीजेपी हमारे साथ ड्रामा करती है, फरवरी में एक एक्ट बनाती है, उस एक्ट में फिर से लिखती है कि जनवरी में और जुलाई में डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि जुलाई खत्म होके अगस्त खत्म हो चुका है, कहाँ है हमारा डीए? आज आपने लेटर लिखा है, किनको लिखा है? हमें देखो इस सरकार की बेशर्मी, जिन बहनों को जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, इनकी बेटियां खून से खत लिख रही हैं, वो अपने प्रधानमंत्री को चेता रही हैं। इतना बेशरम आदमी है, सोया पड़ा है। आपके मुख्यमंत्री हरियाणा वो हर समय अपने सच्चे होने का दावा करते हैं, अपने ईमानदार होने का दावा करते हैं, तो इन लोगों को शौक चढ़ा है कि खून से खत लिखती हैं आपको? इतनी तानाशाही कि आपको जगाने के लिए खून से खत लिखना पड़े? एक भाई हमारा राजकुमार काली रामन, वो आमरण अनशन पे बैठे, अंग्रेज हो क्या आप? तो काले अंग्रेज हो, वो अंग्रेज चले गए, उनसे हमें कोई घृणा नहीं थी, वो तो अपने थे ही नहीं, उनसे तो हमें कोई दरकार थी ही नहीं। तुम्हें तो हमने वोटें देके जिताया था, हमने सोचा था कि तुम सच्चे हो, लोग कहते थे कि तुम खिचड़ियाँ खाते हो, तुमने तो शादियाँ तक नहीं की, तुम किसके लिए जोड़ रहे हो? ये सारी जो भी जनता है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम धोखा देते हो, तो हमें तो किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है, हम तो बिल्कुल विचलित हो चुके हैं। आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीतियाँ हम क्या बताएं? जैसा हमें दिखाई देगा, जो भी सख्त कदम हो पाएगा हम वो उठाएंगे। क्या नाम है आपका? मोनिका गुप्ता।